हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे थेराप्यूटिक बाथ्स के बारे में। वाटर को हम वैल्यूएबल थेराप्यूटिक एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। मॉडर्न टाइम में वाटर की जो थेराप्यूटिक वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज्ड हुई है बाय विंसेंट प्रिज्निस्ट, ल्यूस क्यून एंड अदर यूरोपियन वाटर क्योर पायोनियर्स। वाटर बेनिफिशियल इफेक्ट एग्जर्ट करेगा ह्यूमन सिस्टम पर। ये सर्कुलेशन को इक्वलाइज करेगा, मस्क्यूलर टोन को बूस्ट करेगा और डाइजेशन और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेगा। रेस्पिरेटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को टोन्स अप करेगा। डैमेज सेल और टॉक्सिक मैटर को एलिमिनेट करेगा सिस्टम में से। कॉमन वाटर टेम्परेचर चार्ट, कोल्ड का 10-18 डिग्री सेल्सियस, न्यूट्रल का 32-36 डिग्री सेल्सियस, हॉट का 40-45 डिग्री सेल्सियस। अबव 45 डिग्री सेल्सियस वाटर की थेरापेटिक वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। एनेमा, इसमें हम पेशेंट को रेक्टम में फ्लूइड के इंजेक्शन देंगे। बाउल को क्लीन करने के लिए हम ल्यूक वार्म वाटर का यूज करेंगे। इसमें पेशेंट जो है वो साइड लाइन पोजिशन में होगा, लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट लेग जो है वो एक्सटेंडेड रहेगा, राइट लेग स्लाइटली फ्लेक्स्ड रहेगा। एनिमा का जो नोजल है उसे हम लुब्रिकेट करेंगे ऑयल या फिर तो वेस्लिन से और उसे इंसर्ट करेंगे रेक्टम में। कंटेनर जिसमें ल्यूक वार्म वाटर है उसे स्लोली रेज करेंगे और वाटर को रेक्टम में एंटर करने के लिए अलाउ करेंगे। जनरली 1 or 2 लीटर ऑफ वाटर को इंजेक्ट करेंगे। 5 to 10 मिनट्स के बाद वाटर जो है वो इजेक्ट हो जाएगा एक्यूमुलेटेड मॉर्बिड मटेरियल के साथ। वार्म वाटर एनिमा जो है वो हेल्प करेगा रेक्टम को क्लीन करने में, जो कि पेरिस्टाल्सिस को इम्प्रूव करेगा और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। कोल्ड वाटर एनिमा जो है वो कोलोन के इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हेल्प करेगा, स्पेशली इन केस ऑफ डिसेंट्री, डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेमेरॉइड्स और फीवर। कोल्ड कंप्रेशन, इसमें हम कोल्ड वाटर या फिर तो आइस वाटर का यूज करेंगे और क्लोथ जिसे हम इसमें डिप करके स्क्वीज करेंगे और लोकल एरिया पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमिन, बैक। कोल्ड कंप्रेशन जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर, स्प्लीन, स्टमक, किडनीज, इंटेस्टाइन, लंग्स, ब्रेन, पेल्विक ऑर्गेन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये फीवर और हार्ट डिजीज में भी बेनिफिशियल होता है। ये डर्मेटाइटिस और इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द आईज को सूद करेगा। हिप बाथ्स, ये हाइड्रोथेरापी का मोस्ट यूजफुल फॉर्म है। इसमें हम स्पेशल तरह का टब यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। जब पेशेंट उसमें बैठेगा तो टब में वाटर इतना फिल होना चाहिए कि उसके हिप को कवर करे। हिप बाथ को हम कोल्ड, हॉट, न्यूट्रल या फिर तो अल्टरनेटिव टेम्परेचर पर दे सकते हैं। कोल्ड हिप बाथ, वाटर का टेम्परेचर जो है वो 10-18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ड्यूरेशन 10 मिनट्स है, बट स्पेशल कंडीशन में ये वेरी करेगा 1 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक। कोल्ड हिप बाथ के साथ हम हॉट फुट इमर्शन भी दे सकते हैं। लेग, फीट, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई रहना चाहिए ड्यूरिंग बाथ एंड आफ्टर बाथ। पेशेंट को मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए कोल्ड हिप बाथ के बाद बॉडी को वार्म करने के लिए। ये हेल्प करेगा कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ओबेसिटी को रिलीव करने में, एलिमिनेशन के ऑर्गन को प्रॉपरली फंक्शन करने में, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन को भी ट्रीट करने में हेल्प करेगा, क्रॉनिक यूटेराइन इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लामेशन, पाइल्स, हिपेटिक कंजेशन, क्रॉनिक कंजेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वीकनेस, स्टरिलिटी, इम्पोटेंसी, डायरिया, डिसेंट्री को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। कोल्ड हिप बाथ हमें कब नहीं देना चाहिए? जब एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ओवरीज या फिर तो पेल्विक का एक्यूट इन्फ्लामेशन हो, ब्लैडर, रेक्टम या फिर तो वजाइना का पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा हो। हॉट हिप बाथ, इसमें वाटर का टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस होगा। ड्यूरेशन 8-10 मिनट्स होगा। हम बाथ को स्टार्ट करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से और ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे 45 डिग्री ऑफ द सेल्सियस तक। टब में एंटर होने से पहले पेशेंट को कोल्ड वाटर पीना चाहिए। हेड पर हम कोल्ड कंप्रेशन प्लेस करेंगे। हॉट हिप बाथ जो है वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को रिलीफ करेगा, पेल्विक ऑर्गन्स के पेन में रिलीफ करेगा, पेनफुल यूरिनेशन में रिलीफ करेगा, पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन और स्पैज्म ऑफ द ब्लैडर को ट्रीट करेगा, सियाटिका को ट्रीट करने में हेल्प करेगा, ओवरीज और ब्लैडर के न्यूरालजिया को ट्रीट करेगा। हॉट हिप बाथ के इमीडिएटली बाद हमें कोल्ड शावर बाथ लेना चाहिए। न्यूट्रल हिप बाथ, इसमें वाटर का टेम्परेचर 32-36 डिग्री सेल्सियस होगा। ड्यूरेशन 20 मिनट से लेकर के 1 आवर तक होगा।
न्यूट्रल बाथ जो है वो हेल्प करेगा एक्यूट और सब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को रिलीव करने में। ब्लैडर, यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स का, फैलोपियन ट्यूब या फिर तो टेस्टिक्यूलर का न्यूरल्जिया को रिलीव करने में हेल्प करेगा। पेनफुल वजाइनल स्पाजम में रिलीव करेगा। प्रूराइटिस ऑफ एनस और वल्वा को ट्रीट करेगा। प्रूराइटिस का मतलब होता है इचिंग। अल्टरनेट हिप बाथ, इसे हम रिवर्सिव हिप बाथ भी बोलते हैं। हॉट टब का टेम्परेचर जो है वो 40-45 डिग्री सेल्सियस होगा। कोल्ड टब का टेम्परेचर जो है वो 10-18 डिग्री सेल्सियस होगा। पेशेंट जो है वो अल्टरनेटिवली पहले हॉट टब में बैठेगा 5 मिनट के लिए और उसके बाद कोल्ड टब में बैठेगा 3 मिनट के लिए। बाथ का ड्यूरेशन है 10-20 मिनट्स। हेड और नेक को हम कोल्ड रखेंगे कोल्ड कंप्रेशन की हेल्प से। ट्रीटमेंट को हम हमेशा पेशेंट जब कोल्ड टब में बैठा होगा तभी एंड करेंगे। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द पेल्विस को रिलीव करने में हेल्प करेगा, जैसे की सेल्पेंजाइटिस, ओवेराइटिस, जनाइटो यूरिनरी ऑर्गन का न्यूरल्जिया, सियाटिका और लंबेगो को ट्रीट करेगा। स्पाइनल बाथ, ये बाथ स्पाइनल कोर्ट को सूदिंग इफेक्ट देगा और थेरापी जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। बाथ को हम कोल्ड, न्यूट्रल या फिर तो हॉट टेम्परेचर पर दे सकते हैं। टब में वाटर का लेवल जो है वो इंच या फिर तो 1/2-2 इंच जितना होना चाहिए और पेशेंट उसमें लाई करेगा 3-10 मिनट्स के लिए। कोल्ड स्पाइनल बाथ जो है वो इरिटेशन, फटीग, हाइपरटेंशन और एक्साइटमेंट को रिलीव करेगी। ये ऑलमोस्ट सारे ही नर्वस डिसऑर्डर में बेनिफिशियल होता है, जैसे कि फिट्स, हिस्टेरिया, मेंटल डिसऑर्डर, लॉस ऑफ मेमोरी एंड टेंशन। न्यूट्रल स्पाइनल बाथ जो है वो सूदिंग और सिडेटिव इफेक्ट देंगी इंसोमनिया वाले पेशेंट को और वर्टिब्रल कॉलम के टेंशन को रिलीव करेगा। इस बाथ का ड्यूरेशन है 20-30 मिनट्स। हॉट स्पाइनल बाथ जो है वो स्टिमुलेट करेगी नर्व्स को। स्पॉन्डाइलाइटिस और मस्कुलर बैकएक के पेन को रिलीव करेगा। सियाटिक पेन को रिलीव करेगा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस को ट्रीट करेगा। फुल वेट शीट पैक, इसमें हम पूरी बॉडी को रैप करेंगे वेट शीट में और उसके बाद हम वेट शीट को रैप करेंगे ड्राई ब्लैंकेट में इवेपोरेशन को रेगुलेट करने के लिए। हेड को हम वेट क्लोथ से कवर करेंगे सो दैट स्कैल्प जो है वो कोल्ड रहे। एंटायर ट्रीटमेंट में हम फीट को वार्म रखेंगे। इस पैक को हम 1/2 आवर या फिर तो 1 आवर तक दे सकते हैं और उसके बाद हम कोल्ड या फिर तो हॉट वाटर को ड्रिंक करने के लिए देंगे। इस पैक को हम स्पेशली टाइफॉइड फीवर में यूज कर सकते हैं और इंसोमनिया, एपिलेप्सी और इन्फेंटाइल कन्वर्जन में हेल्प करता है। हॉट फुट बाथ, इसमें पेशेंट अपने लेग को बकेट में रखेगा जिसमें हॉट वाटर होगा। टेम्परेचर जो है वो 40-45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ट्रीटमेंट लेने से पहले ग्लास ऑफ वाटर लेना चाहिए और बॉडी जो है वो ब्लैंकेट से कवर रहेगी सो दैट हीट या फिर तो वेपर जो है वो एस्केप ना हो जाए फुट बाथ से। हेड को हमें कोल्ड कंप्रेशन देना चाहिए। बाथ का ड्यूरेशन है 5-20 मिनट्स। इमीडिएटली आफ्टर बाथ पेशेंट को कोल्ड शावर लेना चाहिए। ये जो है वो स्टिमुलेट करेगा इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ द यूट्रस, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, पेल्विक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स। ये एंकल और फुट के पेन को रिलीव करेगा, हेडेक को रिलीव करेगा जो कि कॉज्ड होगा सेरिब्रल कंजेशन की वजह से या फिर तो कोल्ड की वजह से। वेमेन में ये हेल्प करेगा मेंस्ट्रुएशन को रिस्टोर करने के लिए। कोल्ड फुट बाथ, 3-40 इंच का वाटर हम फिल करेंगे स्मॉल टब या फिर तो बकेट में। टेम्परेचर 7.2 से लेकर के 12.7 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। फुट को हम इमर्स करेंगे 1-5 मिनट्स के लिए। ड्यूरिंग बाथ हमें फीट को रब करना चाहिए। पेशेंट जो है वो अपने एक फुट से दूसरे फुट को रब करेगा। ये जो है वो सेरिब्रल कंजेशन और यूटेराइन हेमरेज में यूजफुल होगा। स्प्रेन, स्ट्रेन या फिर तो इन्फ्लेम्ड बोन को ट्रीट करने में भी हेल्प कर सकता है। कोल्ड फुट बाथ हमें कब नहीं लेना चाहिए? जनाइटो यूरिनरी ऑर्गन, लीवर और किडनी के इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में। स्टीम बाथ, इसमें परस्पिरेशन होता है मोस्ट नेचुरल वे में। पेशेंट को मिनिमल क्लोथ्स या फिर तो क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। इसमें पेशेंट स्पेशली डिजाइंड कैबिनेट में स्टूल पर बैठता है। कैबिनेट में जाने से पहले पेशेंट को 1 या फिर 2 ग्लास जितना कोल्ड वाटर पीना चाहिए और हेड को कोल्ड टॉवल से प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्टीम बाथ का ड्यूरेशन है 10-20 मिनट्स। स्टीम बाथ के इमीडिएटली बाद हमें कोल्ड शावर लेना चाहिए। वेरी वीक पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमन, कार्डियक पेशेंट, पेशेंट जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है,
उन्हें ये ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। अगर पेशेंट को अनइजीनेस फील होता है ट्रीटमेंट के वक्त, तो उसे चेंबर से बाहर निकाल लेना चाहिए और कोल्ड वाटर ड्रिंक करने के लिए देना चाहिए और फेस को कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए। ये हेल्प करेगा स्किन सरफेस से मॉर्बिड मैटर को एलिमिनेट करने में, सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, टिश्यू एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, रूमेटिक गाउट, यूरिक एसिड प्रॉब्लम और ओबेसिटी को रिलीव करेगा, न्यूरेल्जिया, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, इन्फेक्शन, टिटेनस एंड माइग्रेन को रिलीव करेगा। इमर्शन बाथ्स, इसे हम फुल बाथ भी बोलते हैं, इसे हम बाथ टब में एडमिनिस्टर करते हैं, जिसे हमें प्रॉपरली फिट करना चाहिए हॉट या फिर तो कोल्ड वाटर कनेक्शन से। इस बाथ को हम कोल्ड, हॉट, न्यूट्रल या फिर तो अल्टरनेट टेम्परेचर पर ले सकते हैं। कोल्ड इमर्शन बाथ, इसका ड्यूरेशन है 4 सेकंड से लेकर के 20 मिनट्स तक। टेम्परेचर होगा 10 टू 23.8 डिग्री सेल्सियस तक। बाथ में एंटर होने से पहले कोल्ड वाटर पेशेंट के हेड पर पोर करना चाहिए। चेस्ट, नेक और हेड जो है कोल्ड मॉइस्ट टॉवल से रैप्ड होने चाहिए। बाथ के वक्त पेशेंट को अपनी बॉडी को विग्रसली रब करना चाहिए। बाथ के बाद बॉडी को ड्राई करना चाहिए और ब्लैंकेट से रैप्ड करना चाहिए। ये बाथ फीवर को क्योर करेगा, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। अगर इसे हम 5 टू 15 सेकेंड्स के लिए लेते हैं आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हॉट बाथ, 5 इयर्स के नीचे के चिल्ड्रन को ये बाथ नहीं देना चाहिए, वेरी ओल्ड पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए। अगर इंटरनल ऑर्गन का एक्यूट इन्फ्लामेशन है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द यूट्रस एंड ओवरीज, इसमें भी नहीं देना चाहिए। ग्रेजुएटेड बाथ, इसमें टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक होगा। वाटर के टेम्परेचर को हमें ग्रेजुअली लोअर करना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट अंटिल इट रीचेस 25 डिग्री सेल्सियस। बाथ तब तक कंटिन्यू करना चाहिए जब तक पेशेंट शिवर ना करे। ग्रेजुएटेड बाथ जो है वो अवॉइड करेगा नर्वस शॉक को। ये हेल्प करेगा टेम्परेचर को लोअर डाउन करने में एक्सेप्ट इन मलेरियल फीवर। वाइटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा और हार्ट की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। न्यूट्रल इमर्शन बाथ, इसका ड्यूरेशन है 15 टू 60 मिनट्स। टेम्परेचर 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस। ये बाथ पल्स रेट को डिमिनिश करेगा रेस्पिरेशन को मॉडिफाई किए बिना। ये पेशेंट को सिडेटिव इफेक्ट देगा और स्किन और किडनी को एक्टिवेट करेगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऑर्गेनिक डिसीज में ये अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि मेनिनजाइटिस और आर्थराइटिस में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर पेशेंट को एक्जिमा या फिर तो स्किन डिसीज है तो हमें ये बाथ नहीं देना चाहिए। इसमें वाटर जो है वो सिम्टम्स को एग्रावेट करेंगे और एक्सट्रीम कार्डियक वीकनेस में भी नहीं देना चाहिए। हॉट इमर्शन बाथ, इस बाथ का ड्यूरेशन है 2 टू 15 मिनट्स। टेम्परेचर 36 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इस बाथ को हमें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से स्टार्ट करना चाहिए। हॉट वाटर को ऐड करके ग्रेजुअली टेम्परेचर लेवल को इंक्रीज करेंगे। बाथ में एंटर होने से पहले पेशेंट को कोल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए और पेशेंट को थ्रू आउट द ट्रीटमेंट कोल्ड कंप्रेशन देना चाहिए। इस बाथ को हम ड्रॉप्सी में यूज कर सकते हैं। ड्रॉप्सी का मतलब होता है स्वेलिंग या फिर तो इडिमा, जिसमें हार्ट और ब्लड के टोन का एक्सेसिव लॉस होता है। ये हेल्प करेगा कैपिलरी ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल न्यूमोनिया को चिल्ड्रन में रिलीव करने में। कंजेशन ऑफ द लंग्स को रिलीव करेगा, स्किन और मसल्स के ब्लड वेसल को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही स्किन रेड देखने को मिले बाथ को टर्मिनेट कर देना चाहिए। न्यूमोनिया और सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन में बाथ का टेम्परेचर 37.7 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और ड्यूरेशन 30 टू 45 मिनट्स होनी चाहिए। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें बहुत ही ज्यादा हॉट वाटर से बाथ लेना चाहिए, ड्यूरेशन 5 टू 7 मिनट्स होना चाहिए। पेशेंट इसमें अपनी बॉडी को रब करेगा और फ्रिक्शन देगा। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के कंजेशन को रिलीव करेगा और इमीडिएट रिलीफ देगा। बाथ के बाद ऑयल अप्लाई करना चाहिए, ये ओबेसिटी और रूमेटिक जॉइंट पेन में भी इमीडिएट रिलीफ देगा। गॉल ब्लैडर और किडनी में अगर स्टोन की वजह से पेन है तो इसमें भी इमीडिएट रिलीफ देगा। ये हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर में नहीं लेना चाहिए और कार्डियक वीकनेस और कार्डियक हाइपरट्रॉफी में भी नहीं लेना चाहिए। इप्सन सॉल्ट बाथ, इसमें हम 135 लीटर्स ऑफ वाटर लेंगे बाथ टब में और वो हॉट वाटर होगा जिसका टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस और हाफ केजी जितना इप्सन सॉल्ट लेंगे जो कि हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। बाथ में जाने से पहले पेशेंट को कोल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए और हेड को कोल्ड टॉवल से कवर करना चाहिए और उसके बाद टब में कम्प्लीटली लाई डाउन करना चाहिए। ड्यूरेशन होगा 15 टू 20 मिनट्स। इस बाथ को लेने का बेस्ट टाइम होता है सोने से पहले। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है सियाटिका में, लंबेगो में, रूमेटिज्म में, डायबिटीज में, न्यूराइटिस में,
कोल्ड एंड किडनी डिसऑर्डर में और दूसरे यूरिक एसिड और स्किन डिसीज में। थेरापेटिक बाथ लेते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। बाथ को मील लेने के बाद 3 to 4 hours तक नहीं लेना चाहिए और मील लेने के 1 hour बिफोर भी नहीं लेना चाहिए। बाथ के लिए हमें क्लीन और प्योर वाटर का ही यूज करना चाहिए। ड्यूरेशन को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए डिजायर इफेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। बाथ के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन के वक्त वुमेन को ये बाथ नहीं लेना चाहिए।